इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में कांग्रेसी फिर आपस में लड़ लिए। अश्विन जोशी और हरनाम सिंह धारीवाल में विवाद हो गया। कार्यालय की फीता काटने के दौरान फोटो खिंचाने में हुई धक्का मुक्की को लेकर यह विवाद हुआ था। फीता काटना था इसलिए उस वक्त कृपाशंकर शुक्ला और सुरजीत सिंह चड्डा ने दोनों को चुप करा दिया, लेकिन जोशी और धारीवाल दोनों आग बबूला दिख रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में अश्विन जोशी और हरनाम सिंह धारीवाल में विवाद हो गया और जमकर बोलचाली हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखने दिखाने की भी धमकियां दे दी। फीता काटने के बाद अक्षय कांति बम तो कार्यालय में चले गए, लेकिन कार्यालय के परिसर में अश्विन जोशी और धालीवाल के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जमकर तूतू मैमे हो गई। सुरजीत सिंह चड्डा दोनों को समझाते रहे, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। अभी बताता हूं, तुझे देख लेंगे जैसी धमकियां भी दी। हालांकि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में हर काम को लेकर होड़ मची रहती है। फोटो खिंचाना हो या कोई नेता आ जाए तो मंच पर चढ़ना हो, सभी में कांग्रेस से आगे रहते हैं। नतीजा काम करने वाला कार्यकर्ता पीछे रह जाता है और विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अक्षय कांति बम के कार्यालय उद्घाटन में भी यही हुआ और बड़े नेताओं ने छोटे कार्यकर्ताओं को पीछे कर दिया तो मामला गर्मा गया और सभी आपस में लड़ लिए। हालांकि वरिष्ठों ने मीडिया यही है का आश्वासन देकर समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया। चलिए भैया अंदर आइए, अंदर मजदूर इंदौर के श्रम शिविर में अक्षय कांति बम का दफ्तर कल शाम शुरू किया गया। कोशिश थी बड़े नेताओं को लाने की, लेकिन छिंदवाड़ा में पहले चरण के चुनाव में शामिल होने से प्रदेश कांग्रेस के अधिकांश नेता कमलनाथ के साथ लगे रहे। वहीं कल शाम चुनावी शोर खत्म हुआ। बम के दफ्तर का फीता इंटक नेता श्याम सुंदर यादव ने काटा। बड़े नेताओं में पंडित कृपाशंकर शुक्ला, अश्विन जोशी और सुरजीत सिंह चड्ढा मौजूद थे। कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़े चिंटू चौक से राजा माधवानी, सत्यनारायण पटेल, जीतू पटवारी नहीं आए। पटेल की मां का देहांत होने से वे अभी सियासी मजमों से दूर हैं। पटवारी के पास प्रदेश की कमान है। पिंटू जोशी और रीना बोरासी मौजूद थीं। एक नंबर से दीपू यादव महिलाओं की भीड़ लेकर आई, उससे कुर्सियां भर गई थी। शहर कार्यवाहक अध्यक्ष गोलू अग्निहोत्री विधानसभा चुनाव के बाद से गायब हैं। अंकित खड़ायता कमलनाथ के यहां हाजिरी लगाने गए हैं। अरविंद बागड़ी, अमन बजाज और देवेंद्र सिंह यादव मौजूद थे। सज्जन सिंह वर्मा नहीं थे। राजू भदौरिया को माइक दिया तो चिंटू चौकसे वाले अंदाज में ही बोल रहे थे। कह गए कि लाडली बहना योजना हटाकर देख लो, सभी 29 लोकसभा सीटें हमारी होंगी, आज नहीं तो कल ये योजना बंद होना है, इसी के सहारे वोट खरीदे। अक्षय बम के लिए सबको साथ रखने के साथ ही साधना भी जरूरी है। बोले कि अभी भी देर नहीं हुई है, आज भी जाग गए तो हमारी बात लोगों तक पहुंच जाएगी। उठा देने जाओगे, चिल्ला देने जाओगे, ये मोदी अमित शाह की बात भी नहीं सुनेंगे। मेरे संगी भाई जाग भी रहते हो, अपने आप को चेताओ, आपकी भी प्रतिष्ठा बिगड़ेगी। कांग्रेस तो मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। उसको लड़ना आता है, उसने इस देश की भूमि में अपने खून से सींचा है। कांग्रेस ना मिटी है ना कोई मिटा सका है, लेकिन आपका वजूद जरूर मिट जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रही बात हमारे प्रदेश की लाडली, में अगर कहते यहाँ पे हमारे मेरे विधानसभा के महासचिव कि लाडली बहना का कोई असर ही नहीं है, अगर आप पे दम है तो लाडली बहना को हटा के देख लो, आप चुनाव जीत के बता देना। पूरे प्रदेश में 28 से 29 में से 29 सीट हमारी होगी। यह सिर्फ लाडली बहना की देन थी, जो आपने पहला ऐसी योजना बनाई जहां सरकार को चुनाव से पहले जनता को लाभान्वित करके वोट लिया है, सीधे सीधे आपने वोट खरीदा है। हाँ, ये सच्चाई है। और आने वाले समय में यह योजना बंद भी होगी, तय है। जिन माता बहनों ने वोट दिया है उनके साथ बड़ा छलावा है। मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग जितने हम मंच में बैठे हैं साथी, जो विधानसभा लड़े हैं, जो पार्षद लड़े हैं, जो मंडला अध्यक्ष हैं, आप अपने गली में अपने बूथ पे 100 से 200 250 घर होते हैं एक बूथ पे, एक व्यक्ति सिर्फ 250 घर में शुरुआत करो, कार्यकर्ता आपसे डबल ताकत से मेहनत करेगा।
नगर निगम के सीवरेज विभाग में हुए फर्जी बिल घोटाले की जांच एसआईटी से कराने की मांग कांग्रेसियों ने की है। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मिलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी का कहना है कि निगम अफसरों की मिलीभगत से ही ये घोटाला हुआ है। इसमें ठेकेदारों के साथ ये भी शामिल है। जिन 5 फर्मों ने घोटाला किया है उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए, पुराने कामों की जांच कराई जाए। सीवरेज और लेखा विभाग के जो अफसर और कर्मचारी इसकी प्रक्रिया से जुड़े हैं उन्हें तत्काल दूर किया जाए, वरना जांच को प्रभावित करेंगे। घोटाला दिख तो 28 करोड़ रुपए का रहा है, लेकिन ठीक से जांच होने पर कई गुना बड़ा घोटाला निकलेगा। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।